तो भाई हमने तो देखी है पीली कलर की जेसीबी, लेकिन ये सफ़ेद कलर की कौन सी जेसीबी मार्केट में आ गई है? तो दोस्तों ये जेसीबी नहीं, ये बैकहो लोडर है बॉबकैट कंपनी का। तो ये बॉबकैट कंपनी का वाइट कलर का बैकहो लोडर है। तो आज इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो भाइयों मैं हूँ विनय, अपने विनय मोटर्स लवर चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज इसी जेसीबी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस मशीन में देखेंगे क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या बुराइयाँ, आखिर जेसीबी से कितनी बेहतर मशीन ये मार्केट में निकल सकती है और कितना अच्छा काम करके हमारे कस्टमरों को दे सकती है। तो यही सब चीज़ इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो भाइयों आज बताएंगे बॉबकैट जो मशीन आती है वाइट कलर की, सबसे प्यारा कलर है देख सकते हैं आप, और ये वाली मशीन भी देखे होंगे कहीं ना कहीं। तो ये B9900 मशीन मॉडल, जो कि इसकी तीन मॉडल मशीन आती है, जो कि इंडिया में एक ही मॉडल अभी बिक रही है। BS4 में आती मशीन ये, बाकी BS3 में है जो कि इंडिया कंट्री में नहीं बिक रही है। ये इसका हाइड्रोलिक टैंक है और यहीं पे दोस्तों इसका बैटरी लगता है। तो बैटरी बाहर कर दिया इसमें, सामने पहले की मशीन में जैसे जेसीबी के मशीनों में यहाँ सामने देती थी, इसमें साइड में कर दिया है। टायर साइज वही है दोस्तों 616 के, और जो लोडर है इसका तो 1.1 क्यूबिक मीटर का है लोडर की साइज, जो कि जेसीबी के बराबर ही है। 8 दांते के साथ में इसके लोडर आते हैं। और दोस्तों राइट साइड के व्यू की बात करें तो ये यहाँ पे मिल जाती है डीजल टंकी, जो कि 160 लीटर की है और काफ़ी बड़ी है, ये पैर रखने के लिए, चढ़ने उतरने के लिए, लेकिन थोड़ा सा छोटा बनाई है कंपनी इसको, और थोड़ी सी इतना बड़ा करना चाहिए था ताकि ऑपरेटर लोग आसानी से चढ़ सकें। ये फाइबर की है तो इसका सेफ्टी कवर दे दिया है, और फाइबर की टंकी में एक और फ़ायदा रहता है कि जो डस्ट होते हैं वो अंदर बॉडी में चिपक जाते हैं और अपना उसमें नहीं जा पाता फ्यूल पंप में। ये मशीन की मॉडल देख सकते हैं आप, 74 HP इंजन पावर के साथ में अशोक लीलैंड का इंजन आपको यहाँ पर मिल जाता है, और इंजन वही जो अशोक लीलैंड बनाती है 74 HP में, टर्बो चार्ज इंजन है। ये मशीन का मॉडल आप बॉबकैट, और इंजन है अशोक लीलैंड का 74 HP बैकहो लोडर, और इसी का स्टिकर भी आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत मशीन दिखती है वाइट कलर में, हमेशा आप देखे होंगे येलो कलर की मशीन जेसीबी जैसा आती है, और भी कई सारी मशीन जो रेड कलर की आती हैं, लेकिन ये रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी मशीन को खूबसूरत बना देती है। तो भाई अभी मशीन के ग्रीसिंग चल रही है, जो कि ग्रीस भी बहुत ज़रूरी होती है मशीन में, अगर ग्रीस नहीं होते तो ये पिन सब घिसने लगते हैं। और इसकी पिन की मोटाई भी अच्छी खासी दी है कंपनी ने, ऐसा नहीं है कि पेमेंट पैसे बचाने के चक्कर में पिन मोटी पतली पतली लगा दी हो, तो पिन की साइज भी ठीक ठाक ही। और यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेट लगा के दी है, जो कि कस्टमर को एक्स्ट्रा लगवाने की ज़रूरत नहीं है, किनारे से क्या है ज़्यादा झटका लगता है तो किनारे में मोटा प्लेट कर दिया है, इधर भी लगा के दिया है। लोडर भी काफ़ी हैवी दिखता है, ऐसा नहीं है कमज़ोर है, ये सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा दिखा देता है, यहाँ से जो मिट्टी इधर इंजन की तरफ नहीं आ पाती। और ये प्यारा सा लोगो क्रोम के साथ में, और यहाँ पे ये सिंगल स्टेयरिंग सिलेंडर के साथ में आती है मशीन, जैसा कि जेसीबी में आती है। और ये एक प्लेट भी दिया गया है जो इंजन की सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा प्लेट है, और ये आप इंजन का लुकअप देख सकते हैं, सादा सिंपल इंजन अशोक लीलैंड का, साफ साफ दिखाई देता हुआ। और ये इसमें स्टेयरिंग पंप के लिए अलग से पंप यूज किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, अगर आपके कोई पाइप फट जाते हैं तो मशीन को आप आसानी से यहाँ से वहाँ तक ले जा सकते हैं। तो ये पंप इसका हाइड्रोलिक पंप से अलग करके स्टेयरिंग पंप अलग से दे दिया है। ये आपके फिल्टर दिखाई दे रहे हैं, और टर्बो चार्ज के साथ में आती है ये इंजन, ये हाइड्रोलिक टैंक जो कि आपका यहाँ पर लोहे का दिया गया है, और ये 14 नौ के टायर, इसके बड़े से टायर काफ़ी सारे बोल्टों के साथ में, ऐसा नहीं है कि बोल्ट में भी कमी किया गया हो। और ये करारो का एक्सल, जो कि और भी गाड़ियों में करारो का एक्सल यूज होता है, इसमें करारो का ट्रांसमिशन भी यूज किया गया है। तो भाइयों ये वो हिस्सा है जहाँ से
चेचिस से एक्सल जुड़ा होता है। तो बाकी मशीनों में मैं देखा हूँ कि 2 बोल्ट का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे 4 बोल्टों का यूज किया गया है, तो मजबूती अच्छी खासी बढ़ जाती है। अगर स्टेबलाइजर की बात करें तो सेम स्टेबलाइजर वही जैसा कि बाकी मशीनों में आती है। ये इधर से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको, और इसके स्विच भी ऐसा नहीं लगता कि कमजोर है, लेकिन अच्छा खासा मजबूत दिखाई दे रहा। ये होल पैड का भी, जो अंदर पैड लगे रहते हैं, ये होल से आप पैड निकाल सकते हैं अंदर की ओर। इस मशीन में एक और अच्छी चीज़ दिखाई पड़ती है कि बाकी मशीनों में कंट्रोल बल्ब से पूरी पाइप जुड़ी होती है, लेकिन इसमें अलग से सिस्टम बना के पाइप को जोड़ा गया है, ताकि जब कभी पाइप फट जाती है तो चेंज करने में दिक्कत ना हो। और पाइप की बनावट भी आप देख सकते हैं, काफ़ी व्यवस्थित तरीके से पाइप इसमें रखा गया है कि पाइप घिसे ना कहीं से, जैसे काम करते समय पाइप घिसती भी है तो वो इसमें देखने को ना मिलेगा। और ये इसका बूम का लॉक, ये लॉक करने के लिए इस लीवर का, इसको हटाना पड़ता है यहाँ से। और ये 0.27 का ये बकेट है, जो कि अगर जेसीबी से कंपेयर करें तो थोड़ी सी बड़ी है, जेसीबी की 0.25 बहती है और ये 0.27 है। और ये इसका बूम की बनावट देख सकते हैं आप, ये सिलेंडर बाहर की ओर और ऊपर से थोड़ी सी बनावट अलग की है कंपनी ने, उसको काफ़ी मजबूती मिलती है। ये साफ साफ आप देख सकते हैं इसकी मोटाई। और यहाँ पे बॉब कैट का स्टीकर जो कि मशीन को खूबसूरत बनाती है। और दोस्तों कलर बहुत प्यारा इसका लग रहा है, वाइट कलर में कोई कार वगैरह भी आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छा दिखती है कार। और राजा कलर होता है, कभी मान लो फेड होने का इसमें शिकायत नहीं होता है, तो वाइट कलर में काफ़ी अच्छी मशीन दिखाई दे रही है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर है। दोस्तों अब केबिन में चढ़ते हैं और केबिन के अंदर की जानकारी आपको देता हूँ कि केबिन में क्या क्या फैसिलिटी इसमें दी गई है मशीन में। मशीन में चढ़ने के लिए वही सेम, थोड़ी सी इसको बड़ा की होती कंपनी। और ये आपका लॉक है जो कि पुश करके खुल जाती है गेट। और काफ़ी बड़ा केबिन यहाँ पे है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। ये यहाँ पे कई प्रकार की सीट है और यहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हैं टूल बॉक्स जैसे। और सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है कि ऑपरेटर को थोड़ी सी दिक्कत हुआ है इसमें। सब ये लॉक कर सकते हैं, आगे ऊपर नीचे करना हो तो ये, और ये आगे पीछे करने के लिए यहाँ पे ये लीवर आपको मिल जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर, मतलब इसमें लीवर नहीं लगा है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये भी एक्सीलेटर अच्छी है। यहाँ पे ब्रेक पैडल, थोड़ी सी दूर दूर किया गया इसको ताकि थोड़ी सी कम्फर्टेबल मिल सके। और ये अच्छा सा छोटा सा प्यारा सा स्टीयरिंग व्हील, ये इसके फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए लीवर है। और यहाँ पे 4 रिवर्स और 4 फॉरवर्ड गियर भी मिल जाते हैं। इसमें आपको एक क्लच मिल जाती है जो कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर और गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है ये भी शो करेगा। और ये आपका डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में ये आपकी की लगी है, ये चालू कर दिए हैं। ये एक रेमी का फैन इसमें लगा हुआ है जो कि इसके अंदर की जो गर्मी है उसको ख़त्म कर सके। और ये गेट बंद करने के लिए, गेट खोलने बंद करने के लिए ये वाला लॉक है इसमें। अगर थोड़ी सी गर्मी लग रही हो, गेट हल्का खोलना हो तो ये भी फैसिलिटी है इसमें, ये कर सकते हैं। और ये इतना आपका गेट खुला रहेगा। ये आपका हैजर्ड लैम्प का स्विच हो गया, ये आपके पार्किंग लाइट और सामने की लाइट चालू हो जाती है इससे। और यहाँ पे कुछ डिस्प्ले दिखाती है जो कि फ्यूल अगर कम है तो उसमें ये दिखाएगा। और ये इंजन का टेम्परेचर, मतलब इंजन अगर हाई जाती है तो ये सब इंडिकेटर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये लोडर का लीवर है, इसमें भी आपको क्लच मिल जाता है, इसको प्रेस करने पर आपकी गाड़ी की जो मार्चिंग है वो काम करना बंद कर देती है और ये लोडर वर्क करने लगता है। ये एक मिरर इसमें अंदर भी दिया गया है। और ये केबिन लाइट मिल जाती है एलईडी में। यहाँ पे कुछ मोबाइल वगैरह रखने के लिए काफ़ी अच्छा दिया गया है। अब दोस्तों सीट को राउंड करते हैं और पीछे का बैकों का देखते हैं।
तो अगर इसकी बैकों की बात करें तो यहाँ पे इसका एक्सीलेटर मिल जाता है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर है। इसका इंस्ट्रूमेंटल आप देख सकते हैं, इसमें मशीन 100 घंटे चल गई है जो कि देख पा रहे हैं। यहाँ से इसका ये इंजन का टेम्परेचर और फ्यूल उल 60% जो कि फ्यूल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो पूरी जानकारी आपको इस डैशबोर्ड में मिल जाती है। और अगर स्विच की बात करें तो ये आपके आगे की लाइट की स्विच हो गई, ये पीछे बैकों की लाइट की स्विच हो गई, ये आपका फैन का स्विच हो गया, और ये जो बीप का साउंड कर रहा है ये स्विच चालू होने के बाद जब तक बंद ना हो तब तक इंजन आपको स्टार्ट नहीं करना है, तो ये उसका साउंड है। और बैको वही सेम जैसा जेसीबी में क्रॉस वाला आता है ऑपरेट करने के लिए वही है। यहाँ पे स्टेबलाइजर के लीवर मिल जाते हैं और स्पेस अच्छा खासा है, आप देख सकते हैं पूरा पैर सीधे किया हूँ और सीट हमारी पीछे है। स्पेस देखिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है यहाँ। इधर भी कुछ आप रख सकते हैं जैसे ग्रीस की बल्टी हो गई, फिर ग्रीस गन हो गया। दोस्तों इसके सामने की बोनट खोल लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा इसका कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये आपका हाइड्रोलिक ऑयल का वो ट्रांसमिशन ऑयल का हो गया, ये आपका हाइड्रोलिक ऑयल का, और ये आपका अंदर कूलर हो गया जो कि कूलेंट को कूल करता है, ये आपका एयर कूलर हो गया। तो अच्छा खासा बनावट के साथ में यहाँ पे बैटरी लगी है तो स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है, और ये आपका कूलेंट बॉक्स हो गया। अच्छा बड़ा सा एयर फिल्टर इसमें, ये इसका टर्बो का सिस्टम दिखाई दे रहा है देख सकते हैं, और दो दो हाइड्रोलिक के साथ में इसका बोनट ऊपर की ओर उठता है जो कि अच्छी बात है, पकड़ना नहीं पड़ता है। और ये अपन बंद कर दिए, और विप्रो कंपनी की ये सिलेंडर मिल जाते हैं, और करारो का एक्सल तो हाई है, करारो का ट्रांसमिशन भी है, और इंजन की बात करें तो वो अशोक लीलैंड का यूज हुआ है। और यहाँ पे ऑयल इंडिकेटर दिया गया है, ऑयल अगर आपको देखना है, ये किंग पिन पे भी मजबूती देख सकते हैं आप किंग पिन की, मतलब गाड़ी कहीं से कमज़ोर नहीं लगती है तो मजबूत काफ़ी। यहाँ पे बेल्ट देख सकते हैं, ये बेल्ट लगा के दी है सामने से। और ये अभी 1 जनवरी 2024 की मैन्युफैक्चरिंग है मशीन, अभी की मशीन है। यहाँ पे फ्यूज बॉक्स दिया गया है, ये बैटरी रखने का जगह है, और सबसे अच्छी बात है कटआउट देता है इसमें, अगर इसको आप डाउन कर देंगे तो पूरी बैटरी कनेक्शन अगर मशीन खड़ी करनी है कुछ दिन के लिए तो आप कटआउट कर सकते हैं। दोस्तों अभी जहाँ तक इस मशीन को यूज किए हैं तो 4.5 का एवरेज हमको बकेट में मिल पा रहा है, लोडर में 5 लीटर पर घंटे तेल पी जाती है मशीन, तो एवरेज वैसे ठीक ठाक है 74 HP के इंजन के साथ में, एवरेज अच्छा है। तो दोस्तों मशीन की ऑन रोड कीमत की बात करें तो 31 लाख के लगभग मशीन मिल जाती है। तो दोस्तों वीडियो और मशीन की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपना ख्याल रखिएगा।